शहबाज शरीफ की जमानत हुई रिहाई नहीं, नून लीग के कारकुनान पर हैरान हूं जो लुढ़ियां डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत पर पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। देखिए, जमानत तो आपने कत्ल के मुकदमे में जो है वो जमानत हो जाती है चार छः माह के बाद, तो ये जमानत हुई है, कोई बरी नहीं हुए। तो मैं हैरान हूँ नून लीग के उन दोस्तों के ऊपर के जो हसब साबिक जो है वो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुढ़ियाँ डाल रहे हैं इस पर, वो इतनी खुशी ना मनाए। ये अभी सिर्फ जमानत हुई है, बाकी केस तो चल रहेगा, तो चलता रहेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नैब जब काम करे तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना सारा होमवर्क करके अपने सारे प्रूफ जो हैं और जितने क्लूज़ हैं और जितनी गवाहियाँ हैं, जितने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, वो सारे उसके पास 100% क्लियर होने चाहिए। लेकिन जमानत तो जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी चले जाएँ, जाना जमानत तो कुछ ना कुछ ऐसे बात हो ही जाती है। केस से बरी नहीं हुए, बस ये चीज़ अपने जहन में रख लें। शहबाज शरीफ साहब कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने प्री प्लान्ड नवाज शरीफ साहब की का जाना बैग पर छुरा घोंपा, ये बात अपने जहन में रख लें। आज की आप ये ब्रेकिंग समझ लें, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने असल जो गद्दारी हुई है नवाज शरीफ साहब से, वो उनके भाई ने और उनके भतीजे ने की है।